नमस्कार दोस्तों जी, हमारे विप्लव कुमार मैथ के कोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप संपूर्ण साहित्य को हम कोडिंग वे में पढ़ाते हैं और हमारे चाहे हिंदी का कोई भी सवाल हो, संपूर्ण साहित्य के सवाल को मेरे बच्चे 30 सेकंड में बना जाते हैं, वैसे ही हमने मैथ का भी कोडिंग क्लास शुरू कर दिया है। और मैथ का कोई भी सवाल हो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप नवोदय, KBS, DSSSB या फिर राजस्थान, UP, बिहार, झारखंड, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो 15 से 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं प्रायः देखता हूं कि जो बच्चे PhD भी कर लेते हैं, MPhil भी कर लेते हैं, MA भी कर लेते हैं, MA, MPhil, PhD सारे डिग्री होता है, लेकिन वो फिर भी मैथ को छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों, पहले क्लास में हम बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, कोडिंग के बारे में बताएंगे कि आप मैथ को किस तरह 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बेसिक चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको कहूं कि 22x22 करें, 25x25 करें, 35x35 करें, 45x45 करें, 55x55 करें, तो आप कलम लेके करना शुरू कर दे तो इससे आपका एक मिनट चला जाता है। एक सवाल को बनाने के लिए ही एक मिनट मिलता है, तो ऐसे सवाल को 10 से 15 सेकंड में कैसे बनाया जाए दोस्तों, तो आज हम बेसिक शुरू करेंगे। और मैंने मैथ का क्लास भी शुरू कर दिया है, 1 वीक का फ्री ट्रायल क्लास भी देता हूं और लिखित गारंटी भी देता हूं, अगर DSSB में 20 सवाल आते हैं तो आपको 200 सवाल बनेगा। शर्त यही है कि इसके लिए 1 से 2 महीना देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता बल्कि हर काम को अलग तरीके से करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज उसी ट्रिक की बात करेंगे। आज फर्स्ट क्लास में जैसे कि आपको कह दे 25x25 कीजिए, अर्थात 25 का स्क्वायर कीजिए, 35 का स्क्वायर कीजिए, 45 का स्क्वायर कीजिए, 55 का स्क्वायर कीजिए, 65 का स्क्वायर कीजिए, 75 का स्क्वायर कीजिए, 85 का स्क्वायर कीजिए या 95 का स्क्वायर कीजिए। इसे 10 सेकंड में स्क्वायर बनना चाहिए, कुछ नहीं करना है। देखो, इनका सिंपल ट्रिक है कि जो लास्ट वाला संख्या है उसे स्क्वायर करके लिख दो। लास्ट वाला है, स्क्वायर करके हम लिख दिया, 25 हुआ। अब जो पहला संख्या है, जो ये संख्या जो है, मतलब दहाई अंक जो संख्या, उससे 1 बढ़ा के मल्टीपल कर दो। यहां 2 है ना, इंटू 3 कर दो, 3 × 6, 625 हो गया। 25x25 करके देखिए, 625 होगा। इसी तरह से यहां भी 25 है तो 25 लिखिए, 35 है तो 25, और 3 है तो 3×4 कीजिए, तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह 45x45 करना है तो 25 तो लिखना ही है दोस्तों, और करना क्या है। अब देखो, ये 4 है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे 5, तो 5×20। इसी तरह से 55x55 आपको कह दे तो कुछ नहीं करना, 25 तो लिखना है, और 5 है ना, तो 5 तो है ही, 5 1 बढ़ा के लिखना है, 6 30 हो गए। इतना इजी ट्रिक है। इसी तरह 25 तो लिखना ही है, अब 6 है ना, तो 1 बढ़ा के 7, 6×7=42। कितना सेकंड में बन रहा है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चाहे कोई भी मल्टीपल हो, 10x10 कहे, 25x25 कहे, 30x30 कहे, या कोई भी को, लेकिन शर्त है कि इस ट्रिक में लास्ट में 5 होना चाहिए, तभी ये बनेगा। फिर दूसरे के लिए दूसरे कोडिंग आता है, जैसे लेस देन 100 से नीचे है, 94x94 गुना करना है, 95x95, 96x96, 97x97, उनके लिए अलग ट्रिक है, उसको अगले क्लास में बताएंगे। इसी तरह 75x75 करना है तो 25 तो लिख ही देना है। अब 7 है, 7 1 बढ़ाना है, 8, तो 6×8 या 7×8=56। अब इसी तरह 85 है तो 25 तो लिखना ही है। अब 8×9 तो 9×7, 9×8 तो 9×8=72, बस बन गया। इसी तरह से 95 है तो 25 लिखना ही है, 9 है तो 1 बढ़ा के मल्टीपल करना है, × 10 तो 90। तो देखिए दोस्तों, इतना इजी है, आप क्यों मैथ के सवाल छोड़ के आते हो किसी भी एग्जाम में, मैं आज तक समझ नहीं पाता हूं।
तो इस बार से जरूर मैथ का सवाल बना के आइए। सामान्य सवाल जिस तरह 15 से 20 सेकंड में बनता है, वैसे ही मैथ के सवाल भी 15 से 20 सेकंड में बनता है। शर्त यही है कि उनकी कोडिंग पता हो, इसीलिए मैथ के क्लास का नाम हमने कोडिंग क्लास रखा है। तो फर्स्ट कोडिंग क्लास में हमने आपको सिखाया कि अगर लास्ट में 5 हो तो उसे 10 सेकंड में कैसे मल्टीपल किया जा सकता है। दूसरे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 100 से नीचे है, अगर आपको 99x99 करना हो, 98x98 करना हो, 97x97 करना हो, दूसरे क्लास में उसको हम सिखाएंगे। अगर आप संपूर्ण मैथ को कोडिंग में पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा मैथ का क्लास भी शुरू हो गया है। आप 1 वीक डेमो क्लास लेकर देखिए, अगर पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, वरना कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए, देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।